और सीखें जी बिल्कुल जनाब, मैच स्टार्ट होने वाला है जी। आपने वीडियो को शेयर जरूर करना है। बहुत ही अच्छा मैच है, बहुत अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी। अच्छा बोल किया है, बीट हुए पूरी तरह। और अच्छी कोशिश, पहली विकेट ले लीजिए, बहुत बड़ी कामयाबी। इस बार फुल टॉस बॉल था, उठाकर खेल दिया लेफ्ट साइड की जाने। अंपायर सिग्नल देखना होगा जी। चार रन जी, कमाल का शॉट। थोड़ी सी गलती की बॉलर ने, बैट्समैन इसी इंतजार में थे। दे मारा, चार मारा जनाब। अपने ओवर का लास्ट बॉल करेंगे एसएम, और इस बार ड्राइव किया है। फील्डर है मौजूद, देखना होगा, लेकिन चार रन, कोई मौका नहीं फील्डर के लिए। गैप शॉट है जी जनाब, बिल्कुल यूनिस है, एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेला था। चार रन मिलेंगे और ये काफी महंगा साबित हुआ ओवर एसएम का। जितने भाई देख रहे हैं सबका बहुत शुक्रिया। प्लीज वीडियो को आपने शेयर जरूर करना है, हमारा साथ देना है। इस बार ड्राइव किया है जी एक्स्ट्रा कवर की तरफ, बहुत ही अच्छी फील्डिंग, लेकिन चार रन बाउंड्री बचाने में नाकाम रहे। अच्छी शॉट नदीम की, इस बार कमाल का कट शॉट किया है चार रन के लिए। बिलाल अशरफ जी, हार्ड वर्कर फील्डर हैं, इस बार रूम बनाया, एक्स्ट्रा कवर को टारगेट किया। चार रन मिलेंगे जी, बिल्कुल बॉलर की लाइन लेंथ को रीड किया और एक्स्ट्रा कवर को टारगेट करके चार रन ले लिए। इस बार जी बिल्कुल जवाब, कमाल का सीन हुआ है यहां पे। बैट्समैन ने पुश किया सीधा बॉलर की जाने, और बॉलर के हाथ को हल्का सा टच करके विकेट को जाले का। रन आउट हो गए जी, रन आउट हो गए बिलाल अशरफ। नए आने वाले बैट्समैन है फहद बख्श। उठाकर खेल दिया जी फहद ने, और पहला छक्का देखने को मिला इस इनिंग में। आते ही बरस पड़े फहद बख्श, कमाल का शॉट खेला है जी बिल्कुल। जो बॉलर की वीकनेस थी उससे फायदा उठाया, स्लो बॉल था जिसको डिफेंसिव अंदाज अपनाने की बजाय अटैक किया, और पहली बॉल पर छह रन दे मारा। इसको अफरीदी स्टाइल कहते हैं। Woo!
हल्का सा पुश किया फहद ने, एक रन मिलेगा, दूसरे रन के लिए दौड़े और आसानी से ये दो रन मुकम्मल हुए। जीआरसीसी वर्सेस ज़ारा सॉफ्ट, ये मैच एएचएन ग्राउंड से लाइव ऑन जूनियर सुपर लीग पेज पर। इस बार अच्छी शॉट खेली है, फील्डर मौजूद हैं लेकिन दो रन जरूर मिलेंगे यहाँ पे। आहिस्ता आहिस्ता जो रन्स की रफ्तार है वो तेज होती हुई, 71 आफ्टर 10 ओवर्स। Once again, इस बार वेट किया, आउट होने का खतरा, फील्डर नीचे और जाना होगा, एक आसान कैच थमा दिया, बड़ी कामयाबी एसन एफएसएन को। अपना पहला ही ओवर किया और चलता किया सलमान नदीम को, जो कि दर्द सर बने हुए थे बॉलर्स के लिए, और एवरेज को मेंटेन रखा हुआ था। जितने भाई देख रहे हैं सबका बहुत शुक्रिया, वीडियो को प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा, इस पेज को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपने इस बार जो है जाना होगा जी। दूसरी बड़ी कामयाबी जी, बिल्कुल जादूगरी दिखाई है यहां पे, चार बॉल्स पर दो विकेट ले चुके हैं सिर्फ और सिर्फ एक रन देकर एफएसएन, कमाल की बॉलिंग करते हुए ब्रेक थ्रू दिलवाया जी अपनी टीम को, जबरदस्त बॉलिंग, जितनी तारीफ की जाए कम है। न्यू बैट्समैन थे जिसको आसानी से शिकार कर लिया अब्दुल्ला नदीम जी, बिल्कुल जीरो पे जा रहे हैं, दो बॉल फेस किए हैं। थैंक यू वेरी मच, जितने भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमेंट करके हमें बता रहे हैं, हमारी जो टेक्निकल मिस्टेक्स हैं हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ऐसे ऐसे उनको भी कवर कर लें। आउट हो लें जनाब, एक और बड़ा नुकसान। मूसा आउट होके जा रहे हैं जी, इस बार अजवा है और मिस्टेक फ्रॉम कीपर, एंड चार रन मिलेंगे यहां पे। वंस अगेन फरहान एहसन, इस बार लॉलीपॉप बोल दिया था लेकिन बर्ड हो गया जी, वैस तनवीर को जाना होगा, कमाल का बोल जी, इसको कहते हैं मीठा जहर, जो कि बिल्कुल मीठा है लेकिन अगर आप खाने आओगे तो पवेलियन जाना होगा, और वही काम किया फरहान एहसन ने, तीन विकेट ले चुके हैं अब तक फरहान एहसन। वेस्ट तनवीर चार रन बनाकर गए हैं, दो बॉल्स का सामना किया है, कमाल की बॉलिंग और बिल्कुल खुद एतमादी से चलते हुए फरहान एहसन। और इस बार अपील की है, आउट हो गए जी, आउट हो गए हैं, इनिंग का खात्मा। जी जना बिल्कुल
فرحان احسن نے تقریباً آدھی ٹیم کو پویلین بھیجا ہے، کمال کی بالنگ کی ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے، اور اس کے ساتھ ہی ایک اننگ کا خاتمہ۔ لیکن جناب آفٹر سکس اوور 37 رنز ہو چکے ہیں اور بہت ہی کم سکور چونکہ ٹوٹل تھا، اس وجہ سے بیٹس مین کھل کر کھیل رہے ہیں، لیکن دوسری جانب جی آر سی جان لڑا رہی ہے، ان کے باؤلر فیلڈر اس ٹائم گراؤنڈ میں، اور اس دفعہ آؤٹ ہونے کا خطرہ دیکھنا ہوگا۔ جی جناب بالکل آؤٹ ہو چکے ہیں، جانا ہوگا، سٹمپ آؤٹ ہوئے ہیں جی، جو کہ باؤلر اور کیپر دونوں کی پھرت کی ضرورت ہوتی ہے، قدموں کا استعمال کرنا چاہ رہے تھے لیکن پھنس گئے جال میں۔ اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے فراز احسن 24 رنز بنا چکے ہیں اب تک 19 بولز پر، جی بالکل 2 رنز یہاں پہ لے لیے، سوری جی 4 رنز ہیں، 4 رنز ہیں، اس دفعہ بہت شاندار کٹ، گین باؤنڈری لائن کے باہر جاتے ہوئے، جی بالکل فیصل انور جو کہ باؤلر ہیں دوسرے اوور کروا رہے ہیں اپنا، 10 رنز ہیں ابھی تک، اس بار اوپر اٹھا دیا ہے فیلڈر ہے، نیچے خود ہی فیلڈ کیا اور ایک اور وکٹ کا نقصان، زارا سافٹ کے جو پلیئرز ہیں 3 آؤٹ ہو چکے ہیں، یہاں پہ اگر ایک اور وکٹ گرتی ہے تو میچ دلچسپ ہو جائے گا کیونکہ سکور بہت ہی کم رہ گیا ہے، لیکن کرکٹ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی وقت، محنت جذبہ جنون کرکٹ کا نام ہے۔ بہت اچھی بال، موسیٰ اشفاق بولر، اور بہت ہی بری بال اور اس کو پنش کیا ہے امپائر کی طرف سے، 9 بال کا اشارہ اور یہ چھکا بھی ہو گیا ساتھ، بہت ہی خوبصورت شاٹ حارث لیاقت کا، حارث لیاقت بہت ہی اچھے بیٹس مین ہیں، تھوڑی سی غلط گیند کو فوراً پنش کرتے ہیں، اس چھکے کے ساتھ سکور بڑھتا ہوا 87 پر پہنچ چکا ہے، ہونے 94 رنز ہو چکے ہیں، اور موسیٰ آئے دوبارہ، ایک اور اچھا شاٹ حارث لیاقت کا، اور گیند باؤنڈری لائن پار کر گیا، 4 رنز، بہت ہی زبردست بیٹنگ کر رہے ہیں حارث لیاقت، جی بالکل آپ کو یہ دکھا رہے ہیں ہم کرکس لیب کی جو ہماری سروسز ہیں، پاورنگ کرکٹ ایٹ ایوری لیول، جی بالکل سائن اپ ہوں، اس کے بعد میچ کریٹ کریں، سکورنگ کریں، شیئرنگ کریں، کرکس لیب آپ کے ساتھ ہے، آپ کی پرفارمنس کو ویلیو دے گا، تو آپ نے ہمارے ساتھ ان باکس میں رابطہ کرنا ہے، کرکس لیب فیس بک پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں،
आप हमारी ऐप डाउनलोड करके उस पर ये सब बिल्कुल इजी एज यूज। ये जी बिल्कुल प्लेयर्स डग आउट, खूबसूरत ग्राउंड, एएचएन ग्राउंड जो कि बिलंदशहर टाउन बिल्कुल लाहौर के करीब है। और इसके साथ ही ये मैच विन कर लिया ज़ारा सॉफ ने। एक ज़बरदस्त मैच तो नहीं कह सकते लेकिन ज़बरदस्त गेम देखने को मिली एज ए इंडिविजुअल प्लेयर्स, खसूसन शाहमीर फैसल जो कि बॉलर थे, क्रिटिकल सिचुएशन में अपनी टीम के लिए अच्छी बॉलिंग की और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नज़र आ रहा है बिल्कुल जी। लास्ट मोमेंट में हैंडशेक हो रहा है, कमाल की क्रिकेट आज देखने को मिली। क्रिकेट जी बिल्कुल बहुत बहुत मुबारक हो ज़ारा सॉफ्ट को, एक अच्छी क्रिकेट खेली है और ये मैच अपने नाम किया है। जी बिल्कुल मैन ऑफ द मैच फरहान है जी, जो कि जिन्होंने 5 विकेट से दोबारा शौक से इस टूर्नामेंट में।